देवरिया जनपद में जिलाधिकारी आवास के पीछे लगभग 20 वर्षों से पीडब्ल्यूडी की जमीन पर दर्जनों से अधिक यहां परिवार लोगों ने अपना कब्जा जमा रखा था, जिसे कई बार प्रशासन ने खाली कराना चाहा लेकिन निराशा ही हाथ लगी। लेकिन आज अधिकारियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया और उसके बाद भारी मात्रा में फोर्स के साथ जनपद के तमाम अधिकारी जिलाधिकारी आवास के पीछे पहुंचे और अतिक्रमण साफ कराना शुरू कर दिया। इसी बीच एक महिला नेता कुछ महिलाओं के साथ जेसीबी मशीन के सामने बैठ गई और इसका जमकर विरोध करने लगी, लेकिन प्रशासन की कड़ी कार्रवाई के आगे एक नहीं चली और महिला नेता से पुलिस वालों की झड़प भी हुई। महिला नेता समेत दर्जनों लोगों को जो विरोध कर रहे थे उन्हें पुलिस पकड़कर कोतवाली ले गई। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने झोपड़ों में आग भी लगा दी। और ये देवरिया से बड़ी खबर, आपको बता दें यहां पर अतिक्रमणकारियों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया गया। तमाम योजनाएं उसमें जगह थी और उसमें पीडब्ल्यूडी के बारे अतिक्रमण बताया जा रहा है। मौके पर शांति बताया साहब और मैं आपको यहाँ पर पूछा है किसी भी तरह की अपडेट और यहाँ जितने लोग हैं सबके आवाज ताकि ना आवाज आवाज नहीं मिला आप लोगों को? नहीं, हम लोग के नहीं मिला है। जिसको नहीं मिला उसको गुजार दिए, जिसको मिला है तो मिला ही है। हम लोग के कुछ हम लोग के रहने के लिए कोई व्यवस्था। और अधिक जानकारी के साथ कृष्णानंद गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। कृष्णानंद, क्या था ये पूरा मामला? जी दीपक जी, जैसा आपको बता दें पिछले कई सालों से जो है पीडब्ल्यूडी की जमीन पर गैर कानूनी तरीके से लोगों ने आवास कब्जा कर रखा था, जिसको खाली कराने के लिए जो है सरकार के अधिकारियों के द्वारा जो है कई बार लोगों को जो है संदेशा भिजवाया गया, कई बार जो है अधिकारियों ने जो है उनको सूचित किया, लेकिन जो है उनके द्वारा कब्जा खाली नहीं किया गया, जिसको लेके जो है आज जो है जिलाधिकारी के साथ एसपी और तमाम थानों की प्रशासन वहाँ मौजूद रही और उन्होंने जो है अतिक्रमण को वहाँ खाली कराया है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णानंद।